गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मेन टॉपिक मॉडल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडल्स हैं क्या। मॉडल्स एक्सप्रेस द मूड ऑफ वर्ब, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मॉडल्स आर मोड ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का तरीका। अभिव्यक्ति का तरीका एक ही व्यक्ति का अलग अलग लोगों से अलग अलग भी हो सकता है। वो किस तरह से? उदाहरण के लिए मैं किसी व्यक्ति को बुलाता हूं, अरे तुम इधर आओ, और मैं उसी व्यक्ति को इस तरह से भी बुला सकता हूं, आप इधर आइए। तो मेरा उससे बात कहने का जो तरीका है वो बिल्कुल दोनों बार में अलग अलग पाया गया। तो इन दोनों सेंटेंसेस में अगर मॉडल्स की बात की जाए तो एक में कुछ और आना है और दूसरे में कुछ और। वो कुछ और क्या है ये हम सभी इन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे तो पता लग पाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी मॉडल फैमिली से परिचित होते हैं। हमारे मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ऑट टू एंड हैव टू। सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज मॉडल से थोड़ा और अच्छा परिचय पा लेने के लिए। एक सेंटेंस यहां हम सबके सामने लिखा है, ही डैश कम टुडे। अब इस सेंटेंस में इन सभी मॉडल्स में से कौन सा मॉडल फिट बैठेगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस में हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, वह आज आ सकता है। अब कैन का प्रयोग यहां क्यों किया गया? हमने यहां कैन का प्रयोग किया एबिलिटी के लिए, एबिलिटी यानी कि योग्यता, या फिर कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी क्षमता, यानी कि वो आज आ सकता है, उसमें इतनी सामर्थ्य है, उसमें क्षमता है। ही इज वेरी वेल टू कम टुडे। दूसरा, इस सेंटेंस में एक मॉडल और आ सकता है और वो है आपका विल। ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर की ओर इशारा करता है, आने वाले भविष्य की तरफ, कि उसे आज आना है। इसी तरह से इस सेंटेंस में हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। शुड जो है वो ड्यूटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में जब हम शुड का प्रयोग करते हैं तो इस सेंटेंस की सेंस क्या होगी, कि उसे आज आना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी बनती है। और इसी तरह से इसी सेंटेंस में अगर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस में कंपल्शन और नेसेसिटी का भाव हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण अब सेंटेंस की सेंस क्या होगी, कि उसे आज आना पड़ेगा, उसका आना आज जरूरी है। कंपल्शन मींस मजबूरी एंड नेसेसिटी मींस जरूरत। तो देखा आपने कि एक सेंटेंस में कितने मॉडल्स आ सकते हैं, लेकिन ये सभी इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस सेंटेंस को बोलने का तरीका, बोलने का लहजा, या फिर वो किस संदर्भ में बोला गया है। जैसे पहले वाले सेंटेंस में हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो आ सकता है, दूसरे सेंटेंस में हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं कि वो तो आज आएगा, तीसरे में कहते हैं उसे आना चाहिए, और चौथे में उसे आना पड़ेगा। तो चारों सेंटेंसेस में बातें अलग अलग हैं, इसी कारण मॉडल्स भी अलग अलग आएंगे। अब हम वन बाय वन करके अपने सभी मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कैन को। चलिए अब हम कैन को स्टडी करते हैं। कैन का प्रयोग सबसे पहले हम एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए करते हैं, एबिलिटी योग्यता और कैपेसिटी क्षमता। फर्स्ट सेंटेंस, शी कैन सॉल्व दिस सम, वह इस सवाल को हल कर सकती है। तो इट मींस शी इज वेरी इंटेलिजेंट
एंड शी हैज द एबिलिटी टू सॉल्व दिस सम, यानी कि वो लड़की काफी इंटेलिजेंट है. आई कैन रन 10 किलोमीटर रेस, मैं 10 किलोमीटर की रेस लगा सकता हूं. तो ये मेरी कैपेसिटी है. तो कैन का फर्स्ट यूज एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए होगा. अब हम दूसरे यूज की बात करते हैं. तो कैन का प्रयोग हम परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के लिए कर सकते हैं, मगर हम कैन का प्रयोग आम बोलचाल में परमिशन के लिए नहीं करते, क्योंकि कैन के प्रयोग में कठोरता झलकती है, एक रूडनेस झलकती है. एग्जाम्पल के तौर पर जब मैं कहता हूं कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, और यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, तो बोलने वाला जो स्पीकर है उसके व्यवहार में एक कठोरता, एक रूडनेस झलकेगी, तो हम वहां कैन का यूज कर पाएंगे. इसी तरह से तीसरा जो यूज है पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का करते हैं. और पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी मींस संभावना, एक ऐसा काम जो हो भी सकता है और नहीं भी, मगर जरूरी नहीं है कि हो, ये एक संभावना है. एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है. अब ये बात वही है कि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सभी के साथ हो, इसीलिए इसे एक संभावना के तौर पर रखा गया. जो फोर्थ यूज है कैन का वो है कांट हेल्प, और ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है. कांट हेल्प उसके बाद जीरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होगा, तो उसका मीनिंग होता है रोक न सकना, यानी कि ये ऐसे काम के लिए प्रयोग होगा जो हमारे बस में नहीं है और अचानक से हो जाता है. इसका एग्जांपल देखते हैं हम. वी कांट हेल्प लाफिंग व्हेनेवर वी वॉच द कपिल शर्मा शो, कि हम अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं जब भी कपिल शर्मा का शो देखते हैं, यानी कि उसे देखते ही हमारी हंसी अपने आप निकल जाती है, हम उसे रोक नहीं पाते हैं. तो इस तरह से कैन जो है वो मैंने चार जगह पर आपको बताया. कैन का प्रयोग हम एबिलिटी कैपेसिटी के लिए करेंगे, परमिशन के लिए करेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में कांट हेल्प के साथ इसका यूज होगा. अब हम बात करते हैं कुड की. तो कुड का प्रयोग सबसे पहला तो कैन के पास्ट के रूप में होगा. कैसे? हमने अभी अभी कैन में यूज किया एबिलिटी का, एबिलिटी और कैपेसिटी, मगर वो दोनों चीजें कैन के लिए हम प्रेजेंट में यूज कर पाते हैं, जहां हमारी प्रेजेंट की एबिलिटी थी. जब हमने एग्जांपल दिया था कि शी कैन सॉल्व दिस सम और आई कैन रन 10 किलोमीटर रेस, मगर यही एबिलिटी जब मेरी पास्ट की होगी, यानी कि आई कुड रन 10 किलोमीटर रेस व्हेन आई वाज यंग. इस सेंटेंस में क्या है कि मैं 10 किलोमीटर की रेस लगा सकता था, कब? जब मैं जवान था, यानी कि अब मेरी वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी नहीं रही, इसीलिए अब मैं यहां कैन का प्रयोग न करके कुड का प्रयोग करूंगा. लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा क्या था जिससे मुझे ये पता चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का न होकर पास्ट का है? तो वो यहां वाज है. यहां से हमें पता चलता है कि यहां अब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी की बात है. नेक्स्ट यूज जो है वो हम कुड का कैन के पास्ट के रूप में ही परमिशन के लिए करते हैं. He asked the gatekeeper if he could enter the hall. हमने प्रेजेंट में कैन का एग्जांपल दिया, Can I sit here? You can go now. वहां रूडनेस, सेम वही रूडनेस, लेकिन पास्ट में. लेकिन जब वो कह रहा है कि उसने गेटकीपर से परमिशन मांगी अंदर दाखिल होने की, तो कैन होना चाहिए था. लेकिन अब यहां कैन क्यों नहीं आया?
क्योंकि ये परमिशन उसने अब न मांगकर पास्ट में मांगी थी और यहां पास्ट की किसी घटना की तरफ इशारा किया गया है, लेकिन वो पास्ट मुझे यहां सेंटेंस में आस्क्ड बता रहा है और इसीलिए मैं इस सेंटेंस में कुड लिखूंगा। थर्ड जो है वो है कुड नॉट हेल्प, हमारा वही इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो हमने अभी अभी कैन में किया। देखिए मैं आपको लगभग सेम एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं ताकि हम दोनों में फर्क भी महसूस कर पाए और दोनों को अलग अलग तरह से समझ पाए। कुडंट हेल्प वही रोक न सकना, हमने कपिल शर्मा का एग्जांपल दिया था, वो एक प्रेजेंट एग्जांपल था जो आमतौर पर हमारे साथ जब भी हम कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो हमारी हंसी निकल जाती है। लेकिन यहां जिस बात की तरफ इशारा किया गया है उस पर नजर डालते हैं। She could not help laughing when she saw him slipping, कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई जब उसने उसे फिसलते हुए देखा, फिसलकर गिरते हुए देखा। हम इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिनमें बहुत सारे जो फनी वीडियोस हैं, कोई भी फिसलकर गिर जाता है, तो वो उसी की तरफ एक छोटे एग्जांपल लिया मैंने कि जब उसने उसे फिसलकर गिरते हुए देखा तो उसकी हंसी निकल गई। लेकिन कैन नॉट की बजाय हम यहां इस सेंटेंस में कुड नॉट का यूज इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इस सेंटेंस में जो सा है वो हमें ये बता रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिचुएशन का न होकर पास्ट का है। अब आते हैं हम फोर्थ पे। जो ये तीनों की तीन सिचुएशन थी, पहली वो कैन के पास्ट के रूप में यूज होती हैं। जो पोलाइट रिक्वेस्ट जो हम चौथा कुड के लिए करने जा रहे हैं वो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए यूज होता है। और पोलाइट रिक्वेस्ट मींस विनम्र प्रार्थना। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और उसमें एक बहुत विनम्रता होती है तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं और ये स्टार्टिंग में प्लेस होकर कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। तो यहां मैं एक जनरल सी बात ये भी कह सकता हूं कि इस वाक्य में जो प्लीज है वो काफी हद तक हमारे कुड को रिप्रेजेंट करता है और जिसके लिए हम इसमें कुड का प्रयोग करेंगे। कुड यू प्लीज शट द डोर, क्या आप मेरे लिए ये दरवाजा बंद कर देंगे। कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बताएंगे। तो इन सभी सेंटेंसेस में जो प्लीज है वो कुड के लिए हमारा रास्ता तैयार करता है। तो कैन और कुड हम ये दोनों समझ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं मे को। तो मे का प्रयोग सबसे पहले हम परमिशन के लिए करते हैं, आज्ञा लेने और देने के लिए। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज का फर्क बता दूं कि जो कैन का प्रयोग था उसमें भी हमने परमिशन के लिए यूज किया था कैन को, और मे का प्रयोग भी हम परमिशन के लिए कर रहे हैं। तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो कैन है वो कठोरता को रिप्रेजेंट करता है और जो मे है वो हमारी विनम्रता को रिप्रेजेंट करता है। कैन का प्रयोग आम बोलचाल में हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये शिष्टाचार के खिलाफ है। तो परमिशन जो है उसका हम एग्जांपल देखते हैं। जब भी हम क्लास में जाते हैं, कोई बच्चा क्लास में जाता है तो सबसे पहले उसका सवाल यही होता है, मे आई कम इन सर, सर क्या मैं क्लास में आ सकता हूं। और उसी तरह से टीचर का यही जवाब होता है, यस यू मे कम और यू मे गो नाउ। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारी विनम्रता के लहजे को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम कभी भी क्लास में कैन आई कम इन सर न बोलकर मे आई कम इन सर बोलते हैं। दूसरा जो प्रयोग है मे का वो हम यूज करते हैं इच्छा के लिए। इच्छा, आपको याद होगा हमने बहुत बार ऐसे लिखा है, माई बेस्ट फ्रेंड माई फेवरेट टीचर, और लास्ट में हम एक लाइन लिखते हैं, मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे उसकी आयु लंबी हो। तो ये एक इच्छा होती है। और सेम एग्जांपल हम दूसरा दिया है, मे यू टॉप द लिस्ट,
कि मेरी इच्छा है कि तुम लिस्ट में टॉप पर आओ। तो इसको पहचानने का एक थोड़ा सा हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये सेंटेंस हमारा इच्छा को रिप्रेजेंट करता है और हम इसमें मे का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मे के थर्ड यूज पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। संभावना एक ऐसा काम जो हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यहां एक बात है कि मे की जब हम बात करेंगे तो वहां काम होने की पॉसिबिलिटी, काम होने की संभावना हमें कुछ ज्यादा लगती है, जिसके कारण हम मे का यूज करते हैं। जैसे कई बार आकाश में बादल छाए हैं और हम कहते हैं कि बारिश हो सकती है। द स्काई इज ओवर क्लाउडेड, आसमान बादलों से भर गया है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो इट मीन्स उस समय बारिश होने के आसार बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रही है। सी में पास द टेस्ट, वो टेस्ट को पास कर सकती है। उसकी मेहनत करने का जो तरीका है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो इस टेस्ट को पास कर देगी, यानी कि उसको टेस्ट को पास करने की जो संभावना है वो ज्यादा लगी, इसीलिए यहां पर मे का यूज किया गया है। मे का जो फोर्थ यूज है वो हम करते हैं पर्पस के लिए, उद्देश्य। हम जो काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, उस काम को करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे इसका हम थोड़ी सी पहचान अगर देखें तो जिस सेंटेंस में सो दैट और इन ऑर्डर दैट ये आते हैं तो वो सेंटेंस हमारे पर्पस को रिप्रेजेंट करते हैं और उनमें मे का यूज किया जा सकता है। किस तरह से, देखिए, he works hard so that he may pass, वो मेहनत करता है so that ताकि वो पास हो सके, यानी कि उसका मेहनत करने का उद्देश्य क्या है कि वो पास होना चाहता है। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा we eat, हम खाते हैं ताकि we may live, हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें, यानी कि हमारा खाने का एकमात्र उद्देश्य क्या है, जिंदा रहना। तो इस तरह से हमने देखा कि मे का यूज इन चार जगहों पर हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी, विश, परमिशन और पर्पस। अब हम बात करते हैं माइट की। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि माइट का प्रयोग भी मे के पास के रूप में होगा। सबसे पहले परमिशन, परमिशन लेना और परमिशन देना, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने मे में किया। लेकिन अब मे और माइट में डिफरेंस क्या है कि मे का यूज हम प्रेजेंट में परमिशन लेने और देने के लिए यूज करेंगे और माइट का प्रयोग पास्ट की परमिशन के लिए होगा। ही आस्क्ड द टीचर इफ ही माइट कम इन, उसने टीचर से पूछा कि क्या वो क्लास में दाखिल हो सकता है, क्या वो क्लास में एंट्री ले सकता है। तो हमें यहां पर माइट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसीलिए पड़ी क्योंकि ये सेंटेंस में जो आस्क्ड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो ये बताती है कि ये जो परमिशन है वो उसने अब न मानकर पास्ट में मांगी थी, जो सेकंड फॉर्म है। अब हम बात करते हैं विश की, इच्छा। मे में जो इच्छा की गई वो प्रेजेंट की थी और जो माइट की इच्छा है वो पास्ट की होगी। एग्जांपल, दे विश्ड दैट देयर कंट्री माइट लिव लॉन्ग, उन्होंने इच्छा की कि उनका देश जिंदा रहे, फले फूले, अमर रहे। अब इस सेंटेंस में जो ये विश्ड है, विश्ड इच्छा करना, इच्छा करना, इस विश्ड ने ही दोनों काम कर दिए। इसी विश्ड ने ये बता दिया कि ये सेंटेंस एक इच्छा है और इस विश्ड की जो सेकंड फॉर्म है
उसने ये बता दिया कि ये इच्छा अब ना होकर पास्ट की इच्छा है, और इसी तरह से हम इसे पहचान पाए और हमने सेंटेंस में माइट का यूज किया ना कि मे का। थर्ड जो यूज है माइट का वो पॉसिबिलिटी के लिए होगा, पॉसिबिलिटी लेकिन यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी होगी। किस तरह से? यानी कि इस सेंटेंस में जिस भी काम की हम बात कर रहे हैं उस काम के होने के चांसेस न के बराबर हैं, यानी कि बहुत ही कम है। किस तरह से आप समझिए, द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब आप कहेंगे ये कैसी संभावना हुई, यानी कि संभावना है ही नहीं, सूरज चमक रहा है, मौसम बिल्कुल साफ है, तो बारिश होने के चांसेस न के बराबर है। जब हमें यह लगता है कि कोई काम नहीं होगा और उस वक्त हम वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर माइट का उपयोग हो सकता है। अब फोर्थ जो है वो मैंने पिछले एग्जांपल के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है, जहां हमने प्रेजेंट में मे का यूज किया था। शी वर्क्ड हार्ड सो दैट शी माइट गेट गुड मार्क्स, उसने मेहनत की क्योंकि ताकि वो अच्छे मार्क्स ले सके, वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अभी हमने जब मे में ये सेंटेंस किया था तो वहां पर सो दैट वाले वाक्य में यहां जहां अभी सेकंड फॉर्म है वहां वर्क्स था, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, जिससे ये पता चल गया था कि वो यहां पर प्रेजेंट के उद्देश्य की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होने के कारण अब ये सेंटेंस पास्ट में चला गया, जिसके कारण अब ये उद्देश्य पास्ट में ट्रांसफर हो गया और हम यहां माइट का प्रयोग कर पाए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेसन में हमने चार मॉडल्स को डिस्कस किया, कैन, कुड, मे और माइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। तो अब वेट कीजिए नेक्स्ट का, और पहले इस पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।